मीणा जी, भूरा जी, नमस्कार नमस्कार। सर। दौसा में पूरे जिले में आपके दिशा निर्देश अनुसार हमारे यहाँ पर सारे प्रशासन के अधिकारी, सारे जनप्रतिनिधि, सारे हमारे कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं। और जैसा अभी मंत्री जी बता रहे थे, हमारे 22 केस पहले पॉजिटिव आए थे और वो सारे के सारे नेगेटिव हो गए। और मेरे दौसा जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे 46 के बाद में कोई भी ऐसा केस नहीं है जो दोबारा पॉजिटिव आया हो, सब नेगेटिव आ गए। एक माह और 7 के करीब हो गए कंफ्यू लगे हुए है। पहला निवेदन तो मेरा है कि लोग बहुत परेशान है, जब कोई पॉजिटिव आया ही नहीं 6 महीने से, तो उसको कंफ्यू को खोला जाए। अभी हाल ही में दूसरा 2 पॉजिटिव ग्रामीण एरिया में आए जो गुजरात से आए थे और उनकी सैंपलिंग में 6-7 रोज लग गए। जो सैंपलिंग की जो हमारे स्टार्टिंग स्पीड थी, तो हमने सेम डे सैंपल भेजे थे, दूसरों जगह रिपोर्ट मिल गई थी। मैं समझता हूँ इसी तरह से यदि हमारी रिपोर्ट जल्दी आ जाए तो उस पर जिस तरह से पहले कंट्रोल हुआ था वो कंट्रोल हमारा हो सके। दूसरा, जो सभी लोगों ने बताया आपके दिशा निर्देश के अनुसार हमारा दौसा हाईवे पड़ताल, जितने आपके जयपुर से, गुजरात से लोग, लाखों की संख्या में हमारे 200 के लोग गुजरे थे। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे यहाँ के भामाशाह लोग, हमारे MLA लोग, सारे जनप्रतिनिधि लोग लगातार 1 महीने से, मैं समझता हूँ कम से कम 2-3 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको पूरे हाईवे पे लोगों ने खाना दिया और लगातार लोग सेवा करते रहे। वो अच्छा मैसेज लेके गए थे आगरा की तरफ है, रास्ते में मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी के कई लाख लोग गए होंगे, जिसमें सभी लोग अब भी लगातार वो हमारा खाना जारी है। अभी 2-3 रोज से जरूर उसमें संख्या कम आ गई क्योंकि आप लोग साधन लगा दिए। सबसे बड़ा मेरा निवेदन जिस बात को सब लोगों ने बोला था, आपने जो इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो मामला कल से चालू किया उसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे बड़ी बात, हमारे लोग जो अदर स्टेटों में फंसे हुए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि अभी जो प्रक्रिया है ये बड़ी टिपिकल प्रक्रिया है और इसमें थोड़ा सरलीकरण किया जाए। और मैं समझता हूँ कि जो जिला कलेक्टर है उनको सबको पता है, हमने सर्वे हो चुका है कि कौन सी ग्राम पंचायत से कितने लोग कौन से स्टेट में हैं, और जहाँ स्टेटों से हमको परमिशन मिल सकती है उन लोगों को हमारे यहाँ पर पहुँचाया जाए। मेरा आपसे ये भी निवेदन है, हमारी ये कल्पना है भाई उन लोगों को रोक लो, रोजगार करेंगे, नौकरी करेंगे। पूरे देश के अंदर जितने भी किसी भी स्टेट के लोग रह रहे हैं वो कोई धंधा नहीं करना चाहते, उनका ये की भावना है हम कैसे भी अपने घर पर पहुंचे, बिल्कुल इच्छा है उनकी काम करने की। और इसमें मेरा एक निवेदन और, बहुत से लोग तो हमारे ऐसे भी हैं मेरे पास रोज बात आती है, 1000 आदमी मेरे दोस्ता के हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम हमारी गाड़ी लेके ऐसे जाएंगे, चाहे कोई पंजाब में, चाहे कोई चंडीगढ़ में, चाहे कोई आंध्र प्रदेश में, चाहे कोई तमिलनाडु में, और अपने साधन से ला सकते हैं, उसमें आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। मुरारी जी अब आने लग जाएंगे, ट्रेनें शुरू हो रही है सब जगह से। मैंने पहले भी कहा खाली बंगाल और बिहार को छोड़ के ट्रेनें शुरू हो रही है, दक्षिण से शुरू हो रही ट्रेनें आ जाएंगे। अच्छा इसमें सर, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अब आप सर एक दो पॉइंट और थे सर मेरे, पानी के मामले में तो आपको पता ही है दौसा में सबसे बड़ी भयंकर समस्या है। एक जो जिसका अपने अब किसी ने फोकस नहीं किया, हमारे जो शहरी क्षेत्र है उसमें बहुत से लोग ऐसे थे, महिलाएं थी, विडो थी, विकलांग थी, असहाय थे, ये दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करते थे। अब वो 1-2 महीने से सबको उन्होंने हटा दिया कोरोना वायरस के डर के मारे, और ऐसी स्थिति है उनकी नौबत है, सबके घरों में आज तक कोई काम नहीं कर रहा और उनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो जैसा आपने कल माननीय प्रधानमंत्री था, अब उनको कोई रोजगार उपलब्ध कराए, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था करें उनको रोजगार मिल सके। तीसरा प्रॉब्लम बड़ी आएगी, कल प्रधानमंत्री साथ बात हुई तब भी चिंता प्रकट कर रही थी, प्रॉब्लम आएगी करना पड़ेगा। एक सर मेरा था, ये जो अपना साथ ये फूड सुरक्षा है इसमें क्या है, 70% से ऊपर जो रेशो जाता है तो नए लोग जोड़ते नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र का मैंने सर्वे करवाया, 1000 लोग ऐसे हैं जो ज्यादातर उनके नाम फूड सुरक्षा में नहीं है, उनको गेहूं नहीं मिल रहा है। और 30% लोग, ये कड़वी बात है, हालांकि कोई लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे, 30% लोग ऐसे हैं जिनके नाम फर्जी तरीके से जुड़े हुए, जो संपन्न है, जिनके 200, 300, 400 मण गांव अनाज घर में होता है। आप ऐसे दिशा निर्देश जारी करें, ये मौका हमारे पास में, उसका एक सर्वे करवाए, 30% लोगों के नाम हट सकते हैं और 10% जो वास्तव में रह रहे हैं उनके नाम दूर सकते हैं। तो मैं बात करेंगे।